तो अंबा प्रसाद के करीबी पंकज नाथ ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। बीते दिनों ईडी ने उन्हें समन भेजा था। ईडी ने इनके कई ठिकानों पर दबिश दी और 12 मार्च को अंबा समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। सीधा ईडी कार्यालय से नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं पंकज नाथ, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, बीते 12 मार्च को ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके पिता समेत कई लोगों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी और दबिश देते हुए जो है छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में कई चीज़ें जो है वो बरामद की गई थी, कई दस्तावेज थे वो बरामद किए गए थे और साथ ही साथ ये भी बातें निकल कर सामने आई थी कि अंबा प्रसाद के कई ठिकानों से लगभग 35 लाख रुपये कैश जो थे वो बरामद किए गए थे और बालू समेत कई अवैध खनन मामले में कहीं ना कहीं जो है ये पूरे मामले की जो है छापेमारी की गई थी और इसी में अंबा प्रसाद के करीबी माने जाते हैं पंकज नाथ, उन्हें भी समन भेजा गया था और समन भेजकर आज यानी कि 20 मार्च को बुलाया गया था और आज ईडी कार्यालय जो है पंकज नाथ पहुँचे हैं लगभग 12 बजे और ईडी के अधिकारी जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद से क्या कुछ जो है उनका रिलेशन है, अंबा प्रसाद के साथ साथ वो किस तरह से जो है पूरा जो अवैध खनन का मामला कहें या फिर बालू से जो जुड़ा मामला है उसको लेकर क्या कुछ सक्रियता रही है, इन सवालों को कहीं ना कहीं जो है उनसे पूछा जाएगा, उन सवालों का जो है उनसे जवाब लेने की कोशिश की जाएगी और आज पहुंच गए हैं वो ईडी कार्यालय और देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ सवाल जो हैं उनसे पूछे जाते हैं और उन सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं पंकज नाथ। काजल जी, नीरज बिल्कुल, 12 मार्च को ईडी ने दबिश दी थी, आज वो ईडी कार्यालय पहुंचे, ईडी ने उन्हें समन भेजा था, क्या कुछ सामने आ सकता है नीरज? देखिए, मैंने जिस तरह से कहा कि पंकज नाथ और अंबा प्रसाद के बीच में क्या कुछ लेसन, कैसा जो है लाभ वो जो है अंबा प्रसाद से लेते थे, जैसे कि कह सकते हैं क्योंकि अवैध खनन से जुड़ा मामला था, उसके साथ बालू की उगाही का जो है वो भी मामला सामने आ रहा था कि बालू का जो है खनन किया जाता था, साथ ही कोयले का जो है व्यापार भी इसमें जोड़ा गया था और कई और भी जैसे ज़मीन का एक मामला भी जोड़ा गया था जिसमें अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा करने का भी आरोप जो है अंबा प्रसाद पर लगा था और इसी मामले में जो है उनके पिता का जो ठिकाना था उस पर भी छापेमारी की गई थी, उनकी जो माताश्री हैं निर्मला साहू उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी, उनके भाई हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी, एक तत्कालीन CEO रहे हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई, तो कई लोग थे उनसे जुड़े आवास पर छापेमारी की गई थी, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में बताया कि बालू का खनन या फिर अवैध खनन या फिर जो कोयला का व्यापार था उससे संबंधित जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं कि अंबा प्रसाद की संलिप्तता किस तरह से रहती थी और क्या अंबा प्रसाद का सहयोग जो है पंकज नाथ करते थे, क्या उन्हें एज अ टूल यूज़ करते थे अंबा प्रसाद, ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात हो क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं और क्या कुछ जवाब मिलता है। जी नीरज बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंकज नाथ ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, वहां उनसे पूछताछ चल रही है, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी, साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड और सरायथेला, धनबाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।